हेलो नमस्कार दोस्तों, 16 दिसंबर 2019 की प्रीलिम्स अपडेटर सीरीज में आपका स्वागत है। देखो, पिछले 5-4 दिन से डिस्कशन है वो नहीं हो पाई थी क्योंकि तबीयत काफ़ी ज़्यादा खराब थी, तो इसलिए लेक्चर वगैरह वो प्रिपेयर में नहीं कर पाया था। तो जो न्यूज़ रह गई हैं उनको हम सबको कवर करेंगे। तो फिलहाल आज है वो कल की न्यूज़ को कवर करने वाले हैं, और आज की कुछ न्यूज़ है उनको हम कवर यहाँ पे करेंगे। सबसे पहले जो हमारी न्यूज़ आई है आज, वो आई है यहाँ पे दिशा बिल के बारे में। क्या है दिशा बिल, ये हम जानते हैं। देखो, अभी हैदराबाद में जो रेप केस हुआ था, इसके बाद में पूरे देश में मांगे उठने लगी थी कि एक जो आरोपी हैं, रेप के आरोपी हैं, उनको लेके फांसी की सजा वो होनी चाहिए थी। इसी के बीच फिर इनकाउंटर है वो सामने आ गया था। तो देखो, यहाँ पे जो आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट है, वहाँ की विधानसभा ने या जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, उसने अभी एक बिल पास किया है जिसका नाम है दिशा बिल। इस बिल में ये प्रावधान किया गया है कि भाई, अगर कोई भी रेप केस होता है, उस कंडीशन में जो भी इन्वेस्टिगेशन है या जो भी आगे की कार्रवाई वगैरह है, उसको 7 दिन के अंदर कंप्लीट किया जाए, और फिर जो भी ट्रायल वगैरह रह जाता है, 14 दिन में उस ट्रायल को कंप्लीट किया जाए। मतलब एट एनी कॉस्ट 21 दिन में तो आपको डिसीजन है या जो जजमेंट है वो क्लियर हो जानी चाहिए। 21 दिन में आपको कोई भी रेप केस है या बलात्कार केस है, उसका रिजल्ट सामने लेके आना है। इसलिए इसमें कुछ गाइडलाइंस वगैरह बनाई गई हैं। इसी के साथ इसमें कुछ और भी प्रावधान किए गए हैं कि अगर कहीं भी कोई वुमेन का हरासमेंट होता है सोशल साइट पे या डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, तो वहाँ पे अगर आरोपी ने पहली बार ऐसा केस किया या पहली बार कुछ इस तरीके का मतलब क्राइम किया है, तो उसको 2 साल की जेल होगी। अगर फिर भी आरोपी क्राइम करता है तो उसको फिर नेक्स्ट केस में 4 साल की सजा होगी। उसके बाद अगर फिर क्राइम करता है तो उचित एक्शन है या जो कड़ी कार्रवाई है वो उसके अगेंस्ट की जाएगी। तो यहाँ पे एक तो ये दिशा बिल कहाँ लाया गया है, कौन से स्टेट के द्वारा, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखो, हमारे देश में लगातार ऐसे केसेस बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे हालात में कुछ ना कुछ जो रूल वगैरह बने गए हैं, पहले के एक्ट हैं, उनको इम्प्लीमेंट करने में कहीं ना कहीं कमियां रह जाती हैं। तो गवर्नमेंट को उस तरफ ज़्यादा फोकस है वो यहाँ पे करना चाहिए। अब देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो आज है एसेसेबल इंडिया कैंपेन के बारे में, AIC। क्या है एसेसेबल इंडिया कैंपेन और न्यूज़ क्या है वो हम यहाँ पे देखेंगे। देखो, जो एसेसिबल इंडिया कैंपेन है ना, ये ऑल ओवर इंडिया में चलाया जाने वाला एक कैंपेन है जो कि चलाया जा रहा है डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, जो कि आता है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंतर्गत। इस कैंपेन का, इस अभियान का मोटो यह है कि हमारे देश में जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है या और भी कोई भी तरह की जो फैसिलिटी है, जिनको जो दिव्यांग पर्सन है या फिर जो फिजिकली हैंडीकेप पर्सन हैं, जो उनका लाभ नहीं उठा पा रहे हैं, उनके लिए एक्सेसिबल होना चाहिए। जैसे ये मान लो कि कोई बिल्डिंग बनी हुई है और उस पर स्टेयर्स हैं। अब आपको पता है कि कोई भी दिव्यांग पर्सन हो सकता है कि वो जो सीढ़ियाँ या स्टेयर्स हैं वो ना चढ़ पाए, तो इसीलिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ऐसा होना चाहिए कि भाई कोई भी दिव्यांग पर्सन है उनको इजीली एक्सेस कर सके। इसीलिए चलाया गया है एसेसेबल इंडिया कैंपेन कि इंडिया में कुछ भी ऐसा काम हो रहा हो, कुछ भी ऐसी चीज़ हो, या बोलो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, बिल्डिंग हो, बस वगैरह हो, मेट्रो रेल वगैरह, कोई भी कनेक्टिविटी हो, जहाँ पे दिव्यांग पर्सन है इजीली उस चीज़ को एक्सेस कर सकें, इसी के लिए अभियान वो चलाया गया था मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा। मैंने आपको बता दिया कि जो दिव्यांग पर्सन है इनके लिए जो बैरियर फ्री है, कोई भी इन्वायरमेंट है उसको क्रिएट करने के लिए इसकी स्टार्टिंग है वो की गई है। डिपार्टमेंट कौन सा है, डिपार्टमेंट है यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज। अब हम कुछ फैक्ट देखते हैं। देखो, ये जो इम्प्लीमेंटेशन की बात है ना यहाँ पे, ये एक यूनिवर्सल एसेसिबिलिटी के लिए है, जो भी डिसेबल पर्सन है उनके लिए। अब देखो, इसमें तीन चीज़ें आ जाती हैं यहाँ पे। कौन कौन सी है तीन चीज़ें, वो हम यहाँ पे एक-एक करके पहले देखते हैं कौन कौन से इसके तीन इंपॉर्टेंट पिलर हैं इस प्रोग्राम के। पहला तो यह है यहाँ पे देखो दिया गया है बिल्ड इन्वायरमेंट, कि भाई एक तो अच्छा इन्वायरमेंट है, हेल्दी इन्वायरमेंट है डिसेबल पर्सन के लिए या दिव्यांग पर्सन के लिए, वो क्रिएट है हमारे देश में किया जाए। इन्वायरमेंट का मतलब आप क्या समझते हो, कि जो भी एक तरीके से डिसेबल पर्सन है उनके लिए कोई भी चीज़ है वो एक्सेस करना ईजी हो जाए, मतलब ईजिली उस चीज़ को एक्सेस है वो कर सकें, इसके लिए प्रॉपर अच्छा माहौल है, इन्वायरमेंट है वो यहाँ पे होना चाहिए। इसके बाद में ट्रांसपोर्ट एंड इन्फॉर्मेशन की बात यहाँ पे की जा रही है, कि भाई जो भी हमारे देश में ट्रांसपोर्ट है ना, चाहे रेल हो, चाहे रोड हो, इसके बाद में चाहे आप बोल सकते हो कि एयरपोर्ट हो गए हैं, इसके अलावा और भी जैसे कोई भी आप किसी भी तरह का ट्रांसपोर्ट इंक्लूड कर सकते हो, वो इजीली एसेसेबल होना चाहिए उनके द्वारा। ऐसा नहीं है कि वो उस चीज़ को एक्सेस ही ना कर पाए। तीसरी बात यहाँ पे की जा रही है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, कि भाई जो IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में क्या जाता है, सारी चीज़ें आ जाती हैं, जो भी आपकी इंटरनेट अलावा और भी सारी चीज़ें हैं वो, तो जो इंफॉर्मेशन एंड जो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है इसका इकोसिस्टम भी उनके लिए एसेसेबल है वो होना चाहिए। तो इन तीन दिशाओं की, या आप बोल सकते हो कि इन तीन जो पिलर हैं इनके ऊपर हमारा एसेसेबल इंडिया कैंपेन है वो टिका हुआ है। देखो, न्यूज़ ये आई थी भी कि
कि जो एसेसेबल इंडिया कैंपेन है ना, इसको भी थोड़ा डिले कर दिया गया है, क्योंकि इसको जो इम्प्लीमेंटेशन है वो थोड़ा मतलब ढीला ढाला चल रहा है। इसकी वजह से गवर्नमेंट ने जो इसके टारगेट रखे थे वो मार्च 2020 तक है, उनको एक्सटेंड कर दिया है। तो उसी को लेकर न्यूज़ यहाँ पे आई है। तो यूपीएससी ये तो पूछने नहीं बैठेगी कि भाई इसको कब तक डिले कर दिया गया है, बट ये पता होना चाहिए कि कैंपेन है क्या, किसका इसका बेनिफिट मिलने वाला है, और कौन सी क्लास को या फिर कौन से वर्ग को हमारे देश में इसका सुविधा का लाभ वो मिलने वाला है। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है, ये आप ज़्यादा क्लियर रखना, कि जो एसेसेबल इंडिया कैंपेन है ना, वो गवर्नमेंट ने इसलिए स्टार्ट किया था क्योंकि एक कन्वेंशन हुई थी डिसेबल्ड पर्सन के लिए, जिसका नाम था यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज, जिसको इंडिया ने 2007 में क्या है साइन किया था। मतलब इंडिया इस कन्वेंशन का सिग्नेटरी है। अब ऐसे हालात में इंडिया की जिम्मेदारी बन जाती है, क्योंकि जो ये कन्वेंशन है ना UNCRPD, इसका जो आर्टिकल 9 है वो ये कहता है कि भाई आपके देश में जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ऐसा होना चाहिए कि डिसेबल्ड पर्सन उसको एक्सेस वो कर सकें, और इसीलिए इंडिया ने जो एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन है वो स्टार्ट किया है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है यहाँ पे ड्रग्स प्राइस कंट्रोल ऑर्डर के बारे में, DPCO। देखो ड्रग्स प्राइस कंट्रोल ऑर्डर है, इसके द्वारा अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसने कुछ सेक्शन 3 के तहत है कुछ गाइडलाइंस वगैरह क्लियर की हैं। तो पहले तो कहते हैं कि ड्रग्स प्राइस कंट्रोल ऑर्डर है वो है क्या। देखो गवर्नमेंट ने 1955 में एक्ट बनाया था जिसका नाम था एसेंशियल कम्युनिटीज एक्ट। इसका जो सेक्शन 3 है वो क्या कहता है वो हम बाद में देखेंगे, पहले ये देखते हैं कि जो यहाँ पे एसेंशियल कम्युनिटीज एक्ट है ये कहता क्या है। ये कहता है, एसेंशियल का मतलब क्या होता है, आवश्यक, यानी कि जो भी जरूरी चीज़ें होती हैं इनके लिए एक्ट बनाया गया है कि भाई उनकी प्राइस वो आप मनमर्जी से डिसाइड नहीं कर सकते। देखो वैसे तो जो आदमी कोई भी चीज़ प्रोड्यूस कर रहा है उसकी मर्जी है कि वो उस प्रोडक्ट की प्राइस कितनी रखें, बट अगर डेली रोजमर्रा का कोई भी आइटम है, जैसे मान लो कि दूध हुआ, छाछ, पनीर, ब्रेड, कुछ भी आप आइटम मान सकते हो, खाने पीने का जो भी ज़रूरतमंद है, जैसे कोई मेडिसिन हो गई सर्दी जुकाम इस तरह की। अब ऐसा तो नहीं है ना कि जो मेडिकल सेंटर है या मेडिकल जो कंपनीज हैं वो अपनी मनमर्जी से इनकी रेट डिसाइड करें, क्योंकि फिर तो वो मुनाफा कमाने की तरफ फोकस करेंगे, तो जो आप ये बोल सकते हो कि आम जनता तक वो चीज़ है वो इजीली मिल ही नहीं पाएगी। इसीलिए जो एसेंशियल कम्युनिटीज एक्ट है ना, इसमें यह प्रावधान किया गया कि भाई इनकी जो प्राइस है ना वो गवर्नमेंट रेगुलेट करेगी, जो भी आवश्यक जरूरतमंद सामग्री है इनकी लिस्ट होती है, उस लिस्ट को गवर्नमेंट चेंज करती रहती है टाइम टू टाइम, कौन से प्रोडक्ट उसमें डालना है निकालना वगैरह। तो इस लिस्ट में जो भी आइटम होते हैं उनकी जो प्राइस है वो गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि भाई मनमर्जी नहीं चलेगी आपकी। तो ये है एसेंशियल कम्युनिटीज एक्ट। अभी देखो न्यूज़ ये आई है कि जो एसेंशियल कम्युनिटीज एक्ट है ना, इसमें कुछ मेडिसिन है काफ़ी सारी, क्योंकि मेडिसिन आपको पता है कि जो गरीब लोग हैं वो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, इसीलिए इनकी प्राइस कंट्रोल करना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो कुछ अभी जो ड्रग्स है ना, आई थिंक शायद 15-20 के आसपास ड्रग्स हैं, उनकी अभी जो प्राइस है वो 50% तक इंक्रीज करने की बात है, वो अभी न्यूज़ में आई है। अब आपके दिमाग में होगा कि भाई ये तो प्राइस को कंट्रोल करती है, मतलब कम करने की तरफ फोकस करती है, जबकि इसने प्राइस को बढ़ाया क्यों है। ऐसा देखो इसलिए हुआ है क्योंकि जो दवाइयाँ इस लिस्ट में थी ना, जिनकी अभी लिस्ट वो मतलब रेट है वो बढ़ाई गई हैं, उनकी जो कंपनियां थी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, उनका ये आरोप था कि भाई जिस रेट पे गवर्नमेंट हमें मार्केट में बेचने को कह रही है ना, इस रेट पे हम मार्केट में सॉरी जो दवाइयां हैं वो प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं कंपनी पे ही, तो हम घाटा तो खाएंगे नहीं, तो या तो हम कंपनी बंद करने वाले हैं या फिर गवर्नमेंट इनकी प्राइस बढ़ाए। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया कि भाई ठीक है हम प्राइस थोड़ी बढ़ा देते हैं ताकि आपको भी घाटा ना हो और जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको मेडिसिन ईजिली मिल सकें। तो ध्यान रखना कि क्या न्यूज़ है, क्या इसका बेनिफिट होने वाला है। अगर देखो कोई भी जो एसेंशियल कम्युनिटीज एक्ट के तहत जो भी गाइडलाइन डिसाइड की गई हैं उनके रूल को कोई भी कंपनी नहीं मानती है, प्राइस है उनको मतलब अपनी मनमर्जी से डिसाइड करती है, तो उसके ऊपर पेनल्टी वगैरह है और भी कई तरह के चार्जेस हैं वो लगाए जाते हैं। देखो ये जो एसेंशियल कम्युनिटीज एक्ट है 1955, इसमें एक लिस्ट बनाई गई है जिसका नाम है नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन। इसमें कुछ दवाइयों के नाम है कि उनकी जो प्राइस है वो गवर्नमेंट डिसाइड करती है। तो अभी उनकी प्राइस बढ़ाने को लेकर न्यूज़ क्या आई है वो मैंने आपको सारा सुन है वो बता दिया। अब इम्पोर्टेंट बात ये आती है कि हमारे देश में दवाइयों की रेट को कौन बढ़ाता है। देखो हमारे देश में मेडिसिन सेक्टर में जो भी दवाइयाँ वगैरह बनती हैं इनके लिए एक अलग से बॉडी बनाई गई है जिसका नाम है नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी। तो हमारे देश में कोई भी दवा की रेट कितनी क्या होगी, मेनली हम बात करें जो एसेंशियल प्रोडक्ट हैं इनकी बात की जा रही है, तो इनकी जो रेट वगैरह है वो एसेंशियल जो सॉरी नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी है NPPA, इसके द्वारा डिसाइड की जाती है, जो कि एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। इसको 1997 में सेटअप वो किया गया था। काम क्या है इसका, इसका काम यही है कि जो भी ड्रग पॉलिसी आती है हमारे देश में उसको रिव्यू करती है, भाई कौन सी प्रोडक्ट या कौन सी मेडिसिन की कितनी रेट होनी चाहिए वो इसके द्वारा डिसाइड है वो यहाँ पे की जाती है।
नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है यूनेस्को की लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज के बारे में। देखो पहली बात तो है कि यूनेस्को की ये इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज है वो लिस्ट है क्या। इंटेंजिबल का मतलब क्या हुआ, अमूर्त, मतलब काफ़ी स्पेशल, आप उसको एक तरीके से यूनिक चीज़ है। और कल्चर हेरिटेज मतलब, कल्चर का मतलब हो गया सांस्कृतिक, आप सॉरी हाँ एक तरीके से कल्चर आपके बारे में, आप कल्चर है ही, और हेरिटेज का मतलब जानते ही हो, यानी कि जो अमूर्त आपकी विरासत है, धरोहर है, उसके लेके ये लिस्ट है वो जारी की जाती है यूनेस्को के द्वारा। देखो ये जो प्रोग्राम है ना इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज साइट की, ये यूनेस्को ने 2008 में स्टार्ट है वो किया था। इसलिए स्टार्ट किया था कि भाई मैक्सिमम जो कंट्रीज हैं वहाँ पे कुछ ना कुछ उनकी एक अमूल्य विरासत है, कल्चर है, उसको सहेज कर संभाल के रखना है कि उसका नुकसान नहीं हो, गवर्नमेंट भी उसको प्रोटेक्ट करे, इसके लिए लिस्ट है वो तैयार की गई थी 2008 में। इनिशिएटिव वो लिया गया था कि भाई जो भी इंटेंजिबल हेरिटेज साइट है ना कहीं भी किसी भी कंट्री की, उनको सहेज कर संभाल के रखा जाए, उनकी जो इंपॉर्टेंस है, उनके बारे में अवेयरनेस है, वो मार्केट में आप बोलो कि एक तरीके से प्रमोट है वो की जा सके। तो बाद में ये लिस्ट है वो स्टार्ट की थी 2008 से, यूनेस्को के द्वारा ये प्रोग्राम है वो लाया गया है। तो एक फैक्ट तो ये ध्यान रखना कि जो इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज साइट की लिस्ट है वो यूनेस्को के द्वारा डिसाइड है वो की जाती है। अभी देखो न्यूज़ ये आई है कि जो थाईलैंड की जो थाई मसाज है उसमें एक वर्ड है, यहाँ पे मतलब वर्ड क्या, एक आप बोल सकते हो कि थाई मसाज का एक पार्ट है जिसका नाम है यहाँ पे नुआत, ये आपको दिख रहा है यहाँ पे। तो नुआत क्या है, थाई मसाज का एक पार्ट है, इसको यूनेस्को ने इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज का दर्जा है वो दिया है अभी, तो उसी को लेकर न्यूज़ आई है। अब देखो इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, यूपीएससी बाहर की कंट्री का तो देखो इतना चांस नहीं होता कि पूछें, बट इंपॉर्टेंट ये है कि इंडिया की कौन कौन सी ऐसी हेरिटेज या कल्चरल साइट्स हैं जिनको यूनेस्को ने इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज लिस्ट में इंक्लूड है वो कर रखा है। तो देखो एक तो है जो वैदिक, जो भी आज के टाइम पे आप ये बोल सकते हो कि उस बच्चे हुए हैं वैदिक चैंट्स के बारे में, वो सारे यूनेस्को ने इंटेंजिबल कल्चर में इंक्लूड कर रखे हैं। इसी के साथ रामलीला इंक्लूड है, और इसी के साथ यहाँ पे ध्यान रखना कोटियटम, कोटियटम है वो एक संस्कृत थिएटर है, तो ये ध्यान रखना कि संस्कृत थिएटर को भी इंक्लूड यहाँ पे किया गया है। इसी के साथ यहाँ पे रामायण है, इसको भी इंक्लूड है वो किया गया है। और एक इम्पोर्टेंट यहाँ पे क्या है, मुदियट्टू, मुदियट्टू है वो एक रिचुअल थिएटर है केरला का, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भाई केरला का थिएटर क्या है, मुदियट्टू, इसको यूनेस्को ने इंटेंजिबल कल्चर लिस्ट में इंक्लूड है वो किया है। इसी के साथ और है, एक तो है कानवेलिया फोक डांस और सॉन्ग। देखो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी ने इसके ऊपर एक दो बार पहले भी क्वेश्चन पूछा है कि कानवेलिया जो फोक डांस है वो कहाँ का है, तो ये राजस्थान से बिलोंग है वो कहता है। अभी इसको यूनेस्को में भी रिप्रेजेंट है वो किया था कुछ टाइम पहले, तो ये और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर आता है छऊ डांस, इसके बाद में आता है जो बुद्धिस्ट चैंटिंग है लद्दाख रीजन की, उनको बात यहाँ पे की गई है। और फिर यहाँ पे आता है संकीर्तना, संकीर्तना क्या है, एक रिचुअल सिंगिंग है जो कि कहाँ का फेमस है, मणिपुर का, तो उसको इंटेंजिबल हेरिटेज में इंक्लूड किया गया है। इसी के साथ इंपॉर्टेंट सबसे ज़्यादा वो अभी है वो है कुंभ का मेला, क्यों, क्योंकि सबसे जो लेटेस्ट है इंडिया का जो इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज में वो है कुंभ का मेला, इसको इंक्लूड किया गया है सबसे लेटेस्ट, इसी साल नहीं पहले इंक्लूड किया गया है। तो इसके बारे में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि कौन सी जो साइट है वो अभी रिसेंटली ऐड है वो की गई है। नेक्स्ट जो आर्टिकल वो है वाईफाई कॉलिंग, क्या है वाईफाई कॉलिंग वो हम देखते हैं। देखो जो एयरटेल कंपनी है भारतीय एयरटेल, उसके द्वारा अभी वाईफाई कॉलिंग का एक कॉन्सेप्ट है वो स्टार्ट किया गया है, और पहली ऐसी कंपनी है इंडिया में एयरटेल जिसने ये कॉन्सेप्ट है वो स्टार्ट किया है। वाईफाई कॉलिंग क्या है, वाईफाई कॉलिंग का मतलब है वॉइस ओवर वाईफाई। देखो कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जहाँ पे क्या है कि जो सेलुलर डाटा है या सेलुलर जो नेटवर्क है, यानी कि हम जो कॉल करते हैं, जो कॉल करने का मेथड है नेटवर्क है उसको कहते हैं सेलुलर नेटवर्क, तो वो वहाँ पे कमज़ोर होता है। तो ऐसे एरिया में क्या है कि अगर वाईफाई अवेलेबल है तो उसकी हेल्प से आप कॉल है वो कर सकते हो फ्रीली, कोई चार्ज इसमें इंक्लूड है वो नहीं होगा। मतलब कॉल तो आप नॉर्मल कॉल की तरह डायल करोगे और वो वाईफाई कॉल में कन्वर्ट है वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो एक तरीके से हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन है, चाहे वो ब्रॉडबैंड का हो या और भी तरह के वाईफाई हो, उसका यूज है वो किया जाएगा ऑडियो कॉलिंग के लिए। इसके लिए कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज है वो पे नहीं करने हैं, ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। यानी कि जो रिमोट एरियाज़ में आप ये बोल सकते हो या फिर घरों के अंदर कई बार के नेटवर्क वगैरह नहीं आते हैं, उस कंडीशन में वाईफाई कॉलिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो एक अच्छी क्लियरिटी है वो इसकी वो प्रोवाइड यहाँ पे करवाने वाला है। तो एक HD जो वॉइस रिकॉर्डिंग कॉलिंग है वो यहाँ पे रिसीवर को मिलने वाली है। तो पहली भारतीय ऐसी कंपनी बन गई है एयरटेल जिसने कॉन्सेप्ट लॉन्च किया है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है यहाँ पे वो है यहाँ पे ट्रेकिया, क्या है ट्रेकिया। देखो ट्रेकिया एक वो यूनिक बार कोडिंग सॉफ्टवेयर है जो कि हरियाणा पुलिस के द्वारा स्टार्ट किया गया है। क्या है ये, इसे हम थोड़ा डिटेल से डिस्कस करते हैं।
देखो कई बार क्या आरोप लगते हैं पुलिस के ऊपर कि जो भी, जैसे मान लो कि कोई भी क्राइम हुआ किसी घटनास्थल पे, जैसे यहाँ पे कोई भी क्राइम हुआ, तो जो फोरेंसिक टीम है वो आती है और जो भी यहाँ पे आप ये बोल सकते हो कि सबूत है उनको इकट्ठा करती है, फिर उनकी जाँच है लेबोरेटरी में वो होती है। अब ऐसे में क्या होता है कि कई बार जो सबूत यहाँ से कलेक्ट किए जाते हैं ना, इनमें आरोप लगता है पुलिस पे कि भाई वो इनमें मतलब धांधलीबाजी कर देती है, या फिर केस को डाइवर्ट करने के लिए सबूत को, जैसे कि यहाँ से कोई भी मतलब कि ब्लड सैंपल कलेक्ट किया गया उसको मिसमैच कर देती है, चेंज कर देती है, ऐसे कई बार आरोप लगते हैं जब भी फोरेंसिक जाँच है वो जाती है। होता क्या है कि यहाँ पे जैसे कि कोई भी सबूत क्लियर किया गया घटनास्थल से, उनको फिर केस केस जो FIR है इसके साथ फोरेंसिक लैब में भेज दिया जाता है और फिर उनकी स्टडी या रिसर्च करके उनको कोर्ट में पेश वो किया जाता है। तो जो ट्रेकिया ये बारकोडिंग सॉफ्टवेयर है ये क्या करेगा, जैसे यहाँ से आपने कोई भी सबूत कलेक्ट करें तो जो भी सॉरी सैंपल है उस सैंपल पे क्या है कि नाम वाम नहीं होगा, कि फिर जैसे कोई भी क्राइम किया है जिस भी पर्सन ने या कोई भी जो FIR की डिटेल है वो यहाँ पे सबूतों के साथ अटैच नहीं की जाएगी, बस एक यूनिक बारकोड उनको दे दिया जाएगा और फिर वो बारकोड के थ्रू उनकी स्टडी की जाएगी और उसके बाद में एक प्राइवेसी है उसको मेंटेन रखा जाएगा। क्योंकि देखो अदरवाइज नॉर्मल डे में क्या होता है कि भाई आपने सबूत कलेक्ट किए यहाँ से, उसको आपने केस की जो भी पूरी डिटेल है इसके साथ फोरेंसिक लैब में भेजा जाता है, वहाँ से उनकी रिसर्च होती है, फिर उनको आगे रिप्रेजेंट है वो किया जाता है। बट यहाँ पे ट्रेकिया सॉफ्टवेयर क्या करेगा, स्टार्टिंग में आपने सैंपल कलेक्ट किए, इस सैंपल पे जो नाम वगैरह होगा वो कुछ नहीं होगा, सिर्फ एक बारकोड पुट कर दिया जाएगा और फिर वो बारकोड की हेल्प से पता लगा लिया जाएगा कि भैया कौन से केस से बिलोंग है वो कर रहा है। तो एक तरीके से जो ट्रांसपेरेंसी है उसको बरकरार ये रखेगा और जो पुलिस की बार लगता है कि इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे उन्होंने मतलब बायस्ड फॉर्म वगैरह लिया, एक्शन लिया है, उन चीज़ों को रोकने के लिए काफ़ी हेल्पफुल है वो रहेगा। तो इसीलिए ये ट्रेकिया सिस्टम है वो स्टार्ट किया गया है। तो ध्यान रखना कि क्रिमिनल जो इन्वेस्टिगेशन सिस्टम है वो स्टार्ट किया गया है, इसको आप टेम्पर्ड वगैरह नहीं कर सकते, मतलब पता नहीं चलेगा कि भाई कौन से केस का कौन सा सैंपल वगैरह है, तो ट्रांसपेरेंसी वो मेंटेन यहाँ पे रह सकेगी। सिर्फ और सिर्फ जो बारकोड है उसी की स्टडी से पता चलेगा कि भाई ये जो सैंपल है वो कौन से केस से बिलोंग यहाँ पे कर रहा है। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो है यहाँ पे इंटरनेशनल जियोलॉजिकल कांग्रेस के बारे में। देखो इंडिया है वो 36 इंटरनेशनल जियोलॉजिकल कांग्रेस को मार्च 2020 में कंडक्ट है, होस्ट है वो करने वाला है। इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है इसमें, इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इंडिया एशिया की पहली ऐसी कंट्री है जो कि इंटरनेशनल जियोलॉजिकल कांग्रेस को सेकेंड टाइम होस्ट है वो कर रहा है। इससे पहले इंडिया ने 1964 में पहली बार इंटरनेशनल जियोलॉजिकल कांग्रेस को होस्ट है वो किया था। 1964 में इंडिया में जो जियोलॉजिकल कांग्रेस का सेशन हुआ था वो हुआ था 22वां, और अभी जो सेशन हो रहा है 36वां, तो उसको इंडिया होस्ट है वो कर रहा है। जो इंटरनेशनल जियोलॉजिकल कांग्रेस है वो हर 4 साल में कंडक्ट है वो की जाती है। इसको जियो साइंस का ओलंपिक भी कहते हैं, मेनली मतलब इंटरनेशनल जियोलॉजिकल कांग्रेस को ओलंपिक्स ऑफ जियो साइंस के नाम से भी जाना जाता है। इम्पोर्टेंट और चीज़ क्या है इसमें, इसमें देखो होता क्या है कि जो वर्ल्ड के या ग्लोबल लेवल पे जो भी जियो साइंटिस्ट हैं, यानी कि जो भूगर्भ आप बोलते हो विज्ञान है वैज्ञानिक हैं, वो आपस में आके कोलाबरेट करते हैं, वो जो डिफरेंस इश्यूज वगैरह होते हैं स्टडी है उन पर फोकस किया जाता है। तो अभी इंडिया में इसको होस्ट है वो किया जाना है। इस बार जो थीम है वो रखी गई है द बेसिक साइंस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो ये ध्यान रखना कि थीम क्या है इस बार की, ये UPSC पूछ सकती है, हर 4 साल में कंडक्ट की जाती है और इंडिया के अंदर है इसको जो माइनिंग मिनिस्ट्री है वो कंडक्ट करती है और इसी के साथ अर्थ एंड साइंस जो मिनिस्ट्री है वो उसको कंडक्ट इस बार होस्ट है वो करने वाली है। जो मेन अगर हम बात करें नोडल एजेंसी की वो यहाँ पे है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो कि आता है अर्थ एंड साइंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत। तो ये कुछ फैक्ट हैं जिनके बारे में UPSC आपसे पूछ सकती है। तो ये थी आज की हमारी डिस्कशन, अब हम जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने दिशा बिल के बारे में जाना कि आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने दिशा बिल को पास है वो कर दिया है। इसके बाद में हमने एसेसेबल इंडिया कैंपेन के बारे में डिस्कस किया, साथ ही हमने ड्रग्स प्राइस जो ऑर्डर है इसके बारे में देखा कि ड्रग्स की जो प्राइस वगैरह वो कैसे कंट्रोल की जाती है और जो असेंशियल कम्योडिटीज एक्ट है वो क्या कहता है। फिर हमने ये नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी के बारे में जाना, साथ ही हमने यूनेस्को की जो इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज साइट है इसके बारे में डिस्कस किया, कौन कौन सी साइट्स इंडिया की इसमें इंक्लूड की गई हैं उनको हमने यहाँ पे कवर किया है। फिर हमने वाईफाई कॉलिंग का कॉन्सेप्ट जाना कि भारतीय एयरटेल है वो वाईफाई कॉलिंग का ऑप्शन लेके आई है कि जहाँ पे सेलुलर नेटवर्क ढंग से काम नहीं कर रहे हैं, कमजोर है, वीक सिग्नल है, उस कंडीशन में वाईफाई की हेल्प से ऑडियो कॉलिंग है वो की जाएगी। नेक्स्ट हमने ट्रेकिया सॉफ्टवेयर के बारे में जाना कि हरियाणा पुलिस ने जो फोरेंसिक जांच होती है इसमें ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन करने के लिए ट्रेकिया सिस्टम को इम्प्लीमेंट है वो किया है।
इसी के साथ हमने इंटरनेशनल जियोलॉजिकल कांग्रेस के बारे में डिस्कस किया कि इंडिया इसका सेकेंड टाइम इसको होस्ट है वो कर रहा है, जो कि हर 4 साल में कंडक्ट है वो की जाती है। तो फिलहाल की डिस्कशन में इतना ही है, तो थैंक यू, थैंक यू फॉर डिस्कशन।